नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, भगवान शनिदेव की कृपा से साल 2023 में बना महा शुभ संयोग। 12 राशियों में से 5 राशि वालों को साल 2023 में अब करोड़पति बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकती। चाहे तो आप लिख कर रख लो। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि भगवान शनिदेव अब साल 2023 में अब 12 राशियों में से कुल 5 राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो चुके हैं और अब इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाली हैं। और तो और, अब इन 6 राशि वालों को भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से साल 2023 में पलमाल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। इन 5 राशि वालों की अब साल 2023 में शनिदेव लॉटरी लगाने वाले हैं। दोस्तों, बता दें कि भगवान शनिदेव ने हाल ही में अपना राशि परिवर्तन किया है, जिसकी वजह से अब भगवान शनिदेव की विशेष कृपा इन 5 राशि वालों पर 5 राशि वालों पर आने वाले 30 सालों तक बनी रहने वाली है। दोस्तों, आखिर ये राशियां कौन कौन सी हैं, आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं के बारे में बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव ज़रूर लिख दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भगवान शनिदेव को न्याय के देवता माना जाता है और ये कलयुग के महाराज भी हैं। शनिदेव जब किसी के साथ न्याय करते हैं तो वह किसी को नहीं छोड़ते। वह रंग को सीधा राजा बना देते हैं और राजा को रंक भी बना सकती हैं। शनिदेव का राशि परिवर्तन बड़ा उलटफेर मनुष्य के जीवन में लेकर आता है, क्योंकि शनिदेव को दंड अधिकारी के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि किसी व्यक्ति का पाप का घड़ा भर गया है और उसके जीवन में शनिदेव प्रवेश करते हैं, यानी कि उसकी राशि में 7.5 शनि की ढैया प्रारंभ होती है, या फिर उस व्यक्ति के जीवन में शनि की दशांतरदशा प्रारंभ होती है, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति गलत कार्य करता है, उस व्यक्ति को भगवान शनिदेव अपनी दशांतरदशा में ऐसा ज़बरदस्त फल प्रदान करते हैं कि वह व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता है, फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं होता। जो व्यक्ति हमेशा लोगों की मदद करता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, गरीब लोगों को हमेशा दया की दृष्टि से देखता है, तो ऐसे लोगों के जीवन में भगवान शनिदेव की 7.5 और शनि की ढैया राजयोग कारक बन कर के आती है। दोस्तों, बता दें कि जिनकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी होती है, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में केंद्र या फिर त्रिकोण में बैठे हुए होते हैं, या फिर दोस्तों अपनी मित्र राशि में किसी अच्छे भाव में यदि बैठे हुए होती हैं, तो शनिदेव अपनी दशांतरदशा में शुभ रिजल्ट प्रदान करते हैं। शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि शनिदेव की 7.5 या शनि की ढैया या शनि की अंतरदशा में व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति भी कर सकता है, यदि शनिदेव उसके लिए अनुकूल रहते हैं तो। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को 3rd घर में, 6th घर में, 8th घर में और 12th घर में शुभ रिजल्ट प्रदान करने वाला ग्रह माना गया है। इसके अलावा
एकादश भाव में भी शनिदेव बहुत बढ़िया रिजल्ट प्रदान करते हैं। शनिदेव का यह राशि परिवर्तन दोस्तों कुछ राशि वाले लोगों के लिए बड़ी सावधानी बरतने वाला रहेगा, तो वहीं कुछ राशि वाले लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा। तो वहीं दोस्तों कुछ राशि वालों को मध्यम रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों आज हम जिन पांच राशि वालों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इन लोगों के जीवन में धन का आगमन अब बड़ी तेजी से होने लगेगा। यानी कि यूं कहें तो शनिदेव इन पांच राशि वालों को रंक से राजा बनाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं साल 2023 में शनिदेव की कृपा से कौन कौन सी राशि वाले लोग करोड़पति अरबपति बनने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी आयु 32 वर्ष या फिर 32 वर्ष से ज़्यादा है तो आपको शनिदेव का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आपकी आयु 32 वर्ष से कम है तो आपको शनिदेव की इस गोचर का पूरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसके अलावा आप इसे अपने लग्न के आधार पर भी समझ सकती हैं। तो चलिए फिर जानते हैं उन पांच राशियों के बारे में। दोस्तों अगर हम पहली राशि के बारे में बात करें तो यह है मेष राशि। जी हाँ, क्योंकि मेष राशि वाले लोगों के लिए शनिदेव का ये गोचर लाभ स्थान में हो रहा है। आपको बता दें कि लाभ स्थान में शनिदेव बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। ऊपर से अपने घर में ही गोचर करेंगे तो ऐसे में दोस्तों धन लाभ होने के साथ साथ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने का योग बनेगा। मेष राशि वालों के लिए आने वाला जो 2.5 साल का समय है वह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बिजनेस व्यापार में ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, कामकाज में अच्छी सफलता आपको मिलेगी। अगर आप बिजनेस व्यापार को विदेश में फैलाना चाहते हैं तो आपको सभी कार्य इसमें बन जाएंगे। नौकरी की तलाश करने वाले लोगों को भी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आपको बता दें शनिदेव की जो दृष्टि है वह भी आपके लिए काफ़ी परफेक्ट रहने वाली है। जी हाँ, संतान सुख की प्राप्ति आपको होगी, संतान के विवाह का योग भी बनेगा। कुल मिलाकर के शनिदेव का ये गोचर आपके लिए हर क्षेत्र में लाभ के अवसर लेकर के आ रहा है। बस सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है। दोस्तों अगर दूसरी भाग्यशाली राशि के बारे में बात की जाए तो वह है मिथुन राशि। जी हाँ, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए शनिदेव नवम भाव के स्वामी बनते हैं और भाग्य भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे। तो ऐसे में मिथुन राशि वाले लोगों को अपने भाग्य का पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। शनिदेव भाग्य भाव में खुद के घर में गोचर करेंगे तो यह परम सुख कहे जाएंगे। यहाँ पर शनिदेव आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से आपके रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में तेजी से तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन लाभ का योग बना हुआ है। अगर आप विदेश में जाकर काम करना चाहते हैं, बसना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए परफेक्ट साबित होगा। नए काम की शुरुआत करने के लिए भी जबरदस्त योग बनेगा। व्यापारियों को बड़ा अच्छा मुनाफा होगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और नववर्ष साल 2023 में अगर कोई चुनाव होने वाला है तो उस चुनाव में आपको जीत हासिल हो सकती है। अगर आप मिथुन राशि के लोग हैं तो यानी कि उच्च पद की प्राप्ति होने का योग आपके लिए बना हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो जो लोग एकदम अंधेरे में कहीं पर छुपे बैठे हुए थे अब वह लोग प्रकाशित होंगे, उनका कार्य लोगों के सामने आएगा, जिसकी वजह से उन लोगों को धन के साथ साथ मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर तीसरी राशि के बारे में हम बात करें तो वह है कन्या राशि। जी हाँ, कन्या राशि वाले लोगों के लिए शनिदेव का यह गोचर छठे भाव में होगा। छठे भाव में गोचर करने वाली शनिदेव आपको
शनिदेव आपको आपके शत्रुओं से मुक्त करवाएंगे। जी हाँ, सभी प्रकार के आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। आपको पुराने रोग से छुटकारा देखने को मिलेगा। यदि आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है तो भी वह उतर जाएगा। आने वाले समय में धन लाभ का योग बना हुआ है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर के नौकरी या फिर व्यापार करना चाहते हैं, तो आपको अच्छा मौका मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनिदेव का ये गोचर कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी काफ़ी बेहतरीन कहा जा सकता है। बस सेहत को लेकर के थोड़ी सावधानी आपको रखने की आवश्यकता है। शनिदेव की दृष्टि आपके खर्चों में वृद्धि कर सकती है, इसलिए दोस्तों इस समय फिजूल खर्ची से आपको बचने की सलाह दी जाती है। दोस्तों बता दें कि अगली जो राशि है वह है तुला राशि। जी हाँ, बताना चाहेंगे कि शनि का ये गोचर आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएगा। यदि आप किसी समस्या से पीड़ित थे तो उसमें भी सुधार आने के योग बनेंगे। आपकी बेचैनी भी बढ़ेगी, हालांकि वहीं कई लोगों को आर्थिक लाभ प्राप्त अवश्य होगा। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन अपने आप तक पहुंचने का रास्ता खोज लेगा। दोस्तों अगली जो राशि है वह है कुंभ राशि। जी हाँ, बताना चाहेंगे कि इस दौरान शनि ग्रह का यह राशि परिवर्तन आपको अपने घर पर रहते हुए अपने कार्य क्षेत्र के तनाव से मुक्ति दिलाएगा। साथ ही भगवान शनि की कृपा से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि देखी जा सकेगी, जिसका कि सकारात्मक प्रभाव इस राशि के छात्रों पर भी दिखाई देगा। इस दौरान आप कोई नया व्यापार, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। धन के मामले आपके बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ आपका आलस बढ़ेगा। आपके काम थोड़े स्लो भी हो सकते हैं, इसीलिए आलस अपने जीवन में बिल्कुल भी आप ना करें। बता दें कि इस दौरान कार्यों को पूरा करने में भाग्य का साथ आपको मिलेगा, परंतु पिता के स्वास्थ्य संबंधित समस्या के कारण आपको परेशानी भी उठानी पड़ेगी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। कार्यस्थल पर आपको प्रगति देखने को मिलेगी। ऐसे में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। सभी तरह के अटके कार्य आपके पूर्ण होंगे। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।